मोर पंख से बेल्ट करूंगी, फिर और एक फोल्ड करूंगी। ये मेरा हो चुका है। इस पेपर को हटाने के बाद फ्लावर को यहाँ पे मैं बेल्ट तैयार कर चुकी हूँ। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस स्टिचिंग आइडिया में। मोर पंख से बेल्ट कैसे बनाया जाता है मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रॉक का बेल्ट कैसे बनाना है मैं इस पेपर में आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं ये पेपर को फोल्ड करूंगी, इसका मिडिल निकालूंगी, मिडिल में एक पॉइंट में कर लूंगी। 12 इंच का मेरा बेल्ट बनेगा तो 12 इंच पे मैं इधर भी एक दाग लगा लूंगी और इधर भी एक दाग लगा लूंगी। साइड में कर लेती हूँ। इस पेपर से मैं मोर पंख का पैटर्न बना लूंगी और पेपर में लगा लूंगी। फिर कपड़े के ऊपर कैसे मोर पंख लगाना है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले ऐसे करके फोल्ड करूंगी, फिर और एक फोल्ड करूंगी, फिर इसका मिडिल से और एक फोल्ड में ऐसे करके कर लूंगी। इसका लंबाई 13 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ से एक राउंड शेप मैं दे दूंगी। ये मेरा हो चुका है। इसी पैटर्न को काट के निकाल लेती हूँ। ऐसे शेप का 15 पीस चाहिए तो 15 पीस ही मैं काट के निकाल चुकी हूँ। कागज के ऊपर कैसे बैठाना है आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा हो चुका है। यहाँ पे एक फ्लावर मुझे लगाना है। इस तरीके का फ्लावर मैं लगाऊंगी कपड़े के ऊपर। ये फ्लावर मैं कैसे बनाई हूँ इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए बेल्ट को कैसे मैं बनाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हेयर बैंड बनाने के लिए मैं ऐसे ही एक पेपर लूंगी, मिडिल में पहले निकाल लूंगी, मिडिल में एक पॉइंट कर चुकी हूँ। मैं कागज के ऊपर इसका पैटर्न दिखाने के लिए ले रही हूँ। लंबाई 10 इंच कपड़े के ऊपर आप जब कीजिएगा तब ये कोई भी नॉर्मल हेयर बैंड का माप लेकर इसको बनाइएगा। मिडिल से थोड़ा साइड में मैं इसको रखूंगी, साइड में भी एक फ्लावर लगाऊंगी। ये हो गया मेरा हेयर बैंड का पैटर्न।
कपड़े के ऊपर काट के कैसे सिलती हूँ और कैसे मोर पंख लगाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये व्हाइट कपड़ा मैं ले चुकी हूँ, इसके अंदर में मैं ऐसे ही फोल्ड करके नेट को रखूँगी, फिर इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया है बेल्ट के लिए उसको रखूँगी और सिल लूँगी। नेट को भी डबल फोल्ड करके इसके अंदर रख चुकी हूँ, पेपर को अच्छे से इसके ऊपर रख के पिन लगा लूँगी फिर उसको सिल लूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। पिन लगा चुकी हूँ, अभी कैसे सिला जाता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैं पूरा सिल चुकी हूँ, अभी मैं पेपर को इसके ऊपर से हटा लेती हूँ। पेपर को हटाने के बाद इसके साइड में मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के काट के निकाल लूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। इसके चारों साइड में छोटा छोटा कट लगा लूंगी, फिर इसको पलट लूंगी। ये मैं कट लगा चुकी हूँ, अभी मैं इसको इस साइड से पलट लेती हूँ। इसको पलट चुकी हूँ, पूरा बेल्ट कपड़े का ही होगा इसीलिए का साइड में मैं और एक कपड़ा सिलूंगी, वो मैं काट के निकाल चुकी हूँ। पहले इसको इसके साथ सिल लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ इसके ऊपर मोर पंख मैं कैसे लगाती हूँ।
दोनों ही मैं सिल चुकी हूँ, अभी दोनों को पलट लेती हूँ। इन दोनों को पलटने के बाद इसके साथ मैं सिल लूँगी। तो चलिए मैं सिलती हूँ। ये मैं पूरा बेल्ट सिल चुकी हूँ। अभी ऐसे पीकॉक फेदर लूंगी, यहाँ से मैं काट चुकी हूँ, ये बहुत लंबा था, और इसको ऐसे करके पकड़ के इस तरह से सारे पीस को मैं काट लूंगी। ये मैं सारे पीस काट के निकाल चुकी हूँ। अभी इसके ऊपर मैं ये ग्लू से सबको चिपकाऊंगी। तो मैं कैसे चिपकाती हूँ चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्लावर को यहाँ पे मैं रख रही हूँ, ये लगाने में मुझे आसानी हो। मैं बेल्ट तैयार कर चुकी हूँ। ये सूखने के बाद ये फ्लावर मैं यहाँ पे लगा लूँगी ऐसे करके। फ्रॉक के ऊपर मैं ये बेल्ट लगाऊँगी।